way, Pepsi, they are my sexy. I think this is good. This is better. Oh, nice. Okay. So welcome guys, welcome to another unboxing video. और जैसा कि हमने पहले भी बोल रखा है, unboxing video होगी थोड़ी raw. ज़्यादा editing पे focus मैं कर नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरे पास time नहीं है. अभी कुछ लोग सोच रहे होंगे फिर से आ गया है, 3 हफ्ते गायब होने के बाद दोबारा से आ गया है. कंसिस्टेंसी नहीं है लड़के में, तो कंसिस्टेंसी की थोड़ी कमी है इस लड़के में. ये यूट्यूब पे चल नहीं पाएगा. यूट्यूब पे चाहिए जेन्युइन रोज वीडियो चाहिए. भैंस क्या चाहे गोबर डालो, रोज डालो. बट मैं सिर्फ एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि मैं बार बार आता रहूंगा क्योंकि किसी महान आदमी ने बोला है कि मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता. इरशाद, मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता. तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा. दिस वीडियो इज अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू ऑफ डोफुल कुकीज. मैंने चैलेंज लिया है खुद से, किसी ने दिया नहीं है मुझे क्योंकि किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो मुझे चैलेंज देता रहे. तो मैंने खुद से अपने आप को चैलेंज दे दिया कि आई विल ईट 5 कुकीज थ्रू आउट माई डे और नथिंग एल्स. ठीक है, अभी बैकग्राउंड में म्यूजिक स्टार्ट होगा धीरे धीरे और एक ड्रॉप आएगा. जैसे ही वो ड्रॉप आएगा ना, वीडियो का टाइटल सामने आ जाएगा और उसी के साथ हम लोग अपनी वीडियो स्टार्ट करेंगे. सॉरी, ये फ्रिज में बड़ा हुआ था इसलिए थोड़ा इसमें मॉइस्चर आ गया. तो यार, इट्स डोफुल हैंडक्राफ्टेड कुकीज एंड इट वॉज जस्ट मेड फॉर मी एज इट इज रिटन हेयर. बेक्ड फ्रेश ऑन ऑर्डर, मतलब ये पहले से नहीं रखते हैं. और यू कैन गो हैड एंड ऑर्डर इट फ्रॉम doful.com. और यार, अगर डोफुल से कोई सुन रहा है तो आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू दैट बहुत ही नेक्स्ट लेवल पैकेजिंग है. मतलब इतनी अच्छी पैकेजिंग है कि मेरा खोलने का मन नहीं कर रहा, बंद कर रहा है. बस इसको बस देखते रहे, निहारते रहे, फ्रिज में संभाल के रखते हैं. Anyways, so let's open the box here और देखते हैं इसमें क्या है. In case you don't eat me right away, which I have followed, मुझे 2 हफ्ते हो गए मंगाए हुए. इसको फ्रिज में रख सकते हैं 30 plus 30-60 days के लिए. Store me in horizontally, don't break it. और if you wish to eat me warm, 2 मिनट के लिए इसको ओवन में डालना है. माइक्रोवेव कर सकते हो and pan में heat कर सकते हो to get the crispiness outside. And the most amazing thing which I have seen in this box, मैं box पहले खोल चुका हूँ तो acting क्या करनी है यार. इसकी packaging मतलब क्या ही बताऊँ, aesthetic ही बदल दी है पूरे ना cookie. तो इट कम्स विद 5 assorted cookies pack. तो जिसके अंदर पहला है न्यूटेला लावा, दूसरा है मैकेडामिया नट कुकी. क्या होता है, तो फिर थोड़ा और एस्थेटिक डालेंगे हम इसमें. तीसरा है चोको ब्राउनी कुकी, फिर एस्थेटिक, मोर एस्थेटिक, मोर एस्थेटिक. वीडियो की लुक अच्छी आनी चाहिए. पीनट बटर मार्बल कुकी एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास है चोको चंक कुकी. सो दीज आर द 5 कुकीज और आज का जो मेरा चैलेंज है वो स्टार्ट होगा पीनट बटर मार्बल कुकीज है. देखो यार, मुझे पता है कि यू नो इट्स टू मच ऑफ शुगर. तो मैंने सोचा यार, हर रोज एक एक खाने से अच्छा, रिव्यू देने से अच्छा आई विल डू दिस चैलेंज. सो लेट्स स्टार्ट द चैलेंज. सो एज पर द चैलेंज आई विल ओनली ईट दीज कुकीज थ्रू आउट द डे. 5 कुकीज है मेरे पास, ब्रेकफास्ट, लंच, इवनिंग स्नैक्स, फिर से इवनिंग स्नैक्स. लंच में 2 खा लूँगा और 1 रात को. तो इसके बॉक्स में लिखा हुआ अगर इसको फ्रिज में रखा है तो यू हैव टू माइक्रोवेव इट फॉर 20 सेकंड्स. तो इसको माइक्रोवेव करके आता हूँ और फिर शुरू करते हैं. तो दिस इज आवर फर्स्ट कुकी ऑफ द डे, जल्दी से बनाते हैं दादा. ओ माय गॉड, दिस इज माय ब्रेकफास्ट फॉर टुडे. और अभी बज रहे हैं, अभी 12 बज रहे हैं. ठीक है, अभी इसके बाद लंच में भी यही है और वो भी यही है. तो लेट्स डू द टेस्टिंग. छोटे छोटे पीसेज ना मैंने भूख लगाने के लिए रखे हैं अपनी बहन के लिए, क्योंकि अगर मैंने उसको ये नहीं दिया ना तो वो मेरी पूरी वीडियो डिलीट करवा देगी. आई ईट इट. Wait, so if you can see, this is the biscuit. Sorry, this is the cookie. Biscuit बोल के पूरी वीडियो की ऐसी तैसी कर दी. So this is the cookie. It's a peanut butter masala cookie, marble cookie. मैं झूठ नहीं बोलूँगा, it's amazing, better than any cookie I have tried yet. और वैसे ही बाहर से थोड़ा क्रंच आ रहा है और अंदर से बहुत ज़्यादा अच्छी हुई है. बहुत ही बेहतरीन कुकी है पहला वाला. ठीक है, ब्रेकफास्ट डन. तो भी बज रहे हैं 3 और हो गए लंच टाइम. और सब लोग घर में बहुत अच्छा अच्छा खाना खा रहे हैं, बट हम खाएंगे बिस्कुट कुकी. तो चलो लेट्स रिव्यू 2 कुकीज़ नाउ. अभी हो गए लंच टाइम, बहुत भूख लग रही है. सुबह जो ब्रेकफास्ट में कुकी खाया था दैट वाज
माइक्रोवेव, बट ये मैं खाने वाला हूँ ठंडा एकदम जैसे ही फ्रिज में से निकाला है। तो दिस कुकी इज मैकेडेमिया नट कुकी। ये मैकेडेमिया क्या होता है गूगल कर लो, मुझे तो पता नहीं। तो जैसा भी है तो लेट्स स्टार्ट। बट अभी मैं दो कुकी खाने वाला हूँ, एक है मैकेडेमिया नट कुकी और दूसरा है चोको ब्राउनी कुकी। चोको ब्राउनी कुकी, चोको ब्राउनी कुकी खाने के लिए मैंने अपने एक दोस्त को बुलाया। तो दोस्त आ जाओ। तो यार ये वाला मैं खाऊंगा, ये वाला कुकी मैं खाऊंगा और चॉको ब्राउनी कुकी ये खाएगा। तो लेट्स ओपन दिस एंड सी हाउ इट इज। पैकेजिंग इट्स अमेजिंग, आई डोंट नो हाउ दे आर डूइंग इट विदाउट प्रिजर्वेटिव एंड ऑल, बट पैकेजिंग बहुत अच्छी है हर एक कुकी की। और दिस इज द कुकी, वाओ। इसको तोड़ के देखते हैं कि कैसा है। लुक्स गुड। अब तक मैंने दो कुकीज खाया और दोनों कुकीज में ऐसा लग रहा है कि बाहर से इट्स क्रंची और अंदर से गुई। तो ओ भाई मैं मजाक नहीं कर रहा, दिस इज अमेजिंग लग तो रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। ये देखो है ना, कुछ बात तो है ना इसमें यार। ये देखो बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग, हैवी एंड एस्थेटिक, वेरी नाइस। तो इसको ब्रेक डाउन करते हैं अब। क्रंची है, बाकी बिस्किट्स की तरह नहीं है, मतलब ये थोड़ा इसमें क्रंच ज़्यादा आ रहा है। लेट्स टेस्ट दिस वन। हमारे तीन कुकीज खत्म हो चुके हैं यार, बहुत ज़्यादा शुगर रश हो गया, मतलब इतना शुगर हो गया ना कि पानी पीने का मन कर रहा है बस। और भूख भी इतनी लग रही है, वैसे तो कुछ पता नहीं अच्छा बने ना बने, बट आज बहुत अच्छा हमारे घर में डिनर लंच बना, तो वो भी मेरा मिस हो गया। तो दो कुकीज़ रह गए हैं, एक इवनिंग स्नैक का और एक डिनर का। उसके बाद आई होप मुझे भूख ना लगे और मैं सो जाऊँ। रिव्यूज़ आए हैं डो फुल कुकीज़ के, दे आर जेन्युइन, इट्स रियली अमेजिंग। हाँ थोड़ा चॉकलेट कुकी में थोड़ा शुगर कुछ ज़्यादा मेरे को लग रहा है, तो लेट्स सी क्या बता। मैं सुबह से चीनी खाई जा रहा हूँ इसलिए लग रहा हूँ, बट इट वॉज़ गुड। इतना मीठा खा लिया कि अब ना कॉफ़ी पीनी पड़ रही है टू डाइजेस्ट इट। और अब तक और कुछ नहीं खाया, एक निवाला नहीं खाया है मैंने दिन से, तो लेट्स सी आगे का दिन कैसा जाता है। चलो अब हमारा है स्नैक टाइम। बॉक्स का है मेरा थोड़ा तो है, बॉक्स दो जल्दी जल्दी, बॉक्स दो यार, मुझे क्या पता कहाँ है। स्नैक टाइम हो रहा है मेरा, ये टमाटर के पीछे पड़ा मुझे इसमें से तेरे। तो अभी शाम के बज रहे हैं 5:30 और मेरा इवनिंग स्नैक का टाइम हो गया है। तो बता रहा हूँ तुम लोगों को कि मुझे लग रहा है कि मेरा ये चैलेंज डगमगा रहा है थोड़ा, क्योंकि मेरे को इतनी भूख लग रही है और वो दो कुकी खाने के बाद वो कॉफी पीने और उसके बाद कॉफी पीने के बाद मैं ऐसे बेहोश हुआ हूँ, पता नहीं यार मुझे लगता है इसमें कुछ गलत डला हुआ है। तो हमारे पास दो रह गए, एक है न्यूटेला और एक है चोको चंक कुकी। चोको चंक देखो, चोको चंक मैं इवनिंग स्नैक में खा रहा हूँ, चोको चंक कुकी। और भाई ये बहुत गलत चीज़ है, गलत मतलब कि बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल। मतलब असली कुकी की जब इन्वेंशन हुई थी ना तो वो चोको चिप कुकी से ही हुई थी, जो कि गलती से हुई थी वो इसी कुकी से हुई थी, चोको चिप कुकी से। और ये देखो यार क्या बेहतरीन, अमेजिंग मैन, आई जस्ट डोंट वांट टू ईट इट बिकॉज इट्स सो ब्यूटीफुल, बट लेट्स सी हाउ इट इज़। तो इसको भी हम ब्रेक करते हैं। यस
सेम टेक्सचर, सेम सब कुछ, बाहर से थोड़ा क्रिस्पी है, अंदर से च्यूई होना चाहिए। दिस इज़ अमेजिंग, मतलब इसकी तो स्मेल ही बहुत अच्छी है यार भाई, ये ट्रेडमार्क है, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट। इसी के साथ इवनिंग स्नैक मेरा ख़त्म होते हुए, देखो यार कितने बड़े बड़े चंक्स डाले हुए हैं। इसी के साथ 4 biscuits, 4 cookies आर ओवर। अभी मेरा सिर्फ डिनर रह गया, उसके बाद भाई मैं बेहोश हो जाऊंगा। मुझे लग रहा है कि मैं डगमगा रहा हूँ, ये चैलेंज होने नहीं वाला मुझसे पूरा, क्योंकि इतनी भूख लग रही है, इतना मीठा खा लिया, मीठा खाने के बाद गर्मी लग रही है, फिर मैं कुछ पी लेता हूँ ठंडा, फिर नींद आ जाती है, सब उथल पुथल हो गया भाई एकदम में। बट नो डाउट दीज आर वेरी अमेजिंग कुकीज़। लास्ट वाला ट्राई करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा मतलब यू नो रिव्यू में उसके अच्छे रिव्यूज़ आते हैं, दैट इज न्यूटेला लावक। तो रात का वेट करते हैं, लेट्स वेट फॉर 2-3 more hours और उसके बाद ट्राई करते हैं और फिर देखते हैं विच वन इज द बेस्ट। तो यार हियर इज अ क्विक अपडेट, ये चैलेंज इसी वक्त यहीं पे ख़त्म होता है। और आज है संडे और मुझे संडे को डील मिल गई नैंडोस की, तो ये संडे मैं बर्बाद नहीं करना चाहता भाई। कुछ शूट ही नहीं हुआ यार भाई। तो ये हुआ क्या, मैं पूरा शूट कर रहा था, मेरा लास्ट कुकी है ये, और ये कुकी का नाम है न्यूटेला कुकी चौकलावा कुकी। यार मेरी ना शूटिंग नहीं हुई और मैंने कुकी तोड़ दिया, ये ऐसा कुछ दिखता है कुकी, और ये तोड़ने के बाद ऐसा हो गया, और ये अंदर का माल है। दिस इज़ द वन ऑफ द मोस्ट रिव्यूड कुकी, मैं खा के देखूंगा कैसा है, और जेन्युइनली जो मेरे अंदर से फीलिंग आएगी आई विल डू इट। और चलो देखते हैं। मैंने बहुत सारे कुकीज खाए हैं, मतलब मैंने आई हैव डन होटल मैनेजमेंट एंड आई नो हाउ टू बेक कुकीज, दीज आर रियली गुड। तो यू नो इट्स रियली गुड ऑप्शन टू फॉर योर सेल्फ और यू कैन गिफ्ट टू योर फ्रेंड फैमिली। बट ये जो चैलेंज वाली हरकत करी है ना मैंने, 5 cookies दिन में खाने वाली, भैया ये नामुमकिन है। मेरे कुछ दोस्त हैं जो मैं जानता हूँ वो कर सकते हैं, जिन्होंने किया हुआ है एक दिन में पूरा डब्बा खा जाना, बट मुझसे तो नहीं हुआ। ये चैलेंज इज अनसक्सेसफुल, कोई भाई करने की जरूरत नहीं है, 5 cookies एक दिन में खा, आराम से खाओ ना यार, तुम एक आज खाओ, एक कल खाओ, एक परसों खाओ, पूरे हफ्ते खाते रहो। बट मुझसे गलती होगी और भाई मत करना ये चैलेंज, फ्लॉप चैलेंज इसलिए भी है क्योंकि 5 cookies खाने के बावजूद भी मुझे इतनी भूख लग रही है कि आई हैव ऑर्डर्ड समथिंग। तो अभी मैं वो खाऊंगा, वो देखो, वीडियो को लाइक कर देना अगर अच्छी लगी तो, और डोफुल कुकीज़ मंगवा के खा लेना। इट्स नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, तो देख लेना जैसा भी हो, खाना हो तो खा लेना, वरना मुझे बता देना मैं भिजवा दूंगा। अरे बहुत हो गया भाई ड्रामा हटाओ इसे यार, और अभी हम खाएंगे ये। Peace out.